नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों चाकूबाजी का मामला सामने आया था, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते दो दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त को चाकू मार दिए थे। पूरे मामले में पुलिस ने दो के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पूरे मामले में दो आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहाँ 2 दिसंबर रात को विवेक प्रजापति नामक युवक रक्त रंजित हालत में आने पहुंचा था और अपने दो दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक 2 दिसंबर की रात को फरियादी विवेक ने अपने दो दोस्त ऋतिक उर्फ बच्चा और सोनू उर्फ कंगारू के खिलाफ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि दोनों आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की थी। फरियादी और दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं और पुरानी रंजिश के चलते ही दोनों आरोपियों द्वारा फरियादी को चाकू मारकर घायल किया गया। फिलहाल पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये घटना 2 तारीख की दरमियानी रात की बात है, जब ये विवेक प्रजापत नाम का एक व्यक्ति है, इसको उसी के दोस्त हैं वो लोग, एक ये ऋतिक उर्फ बच्चा है और एक सोनू उर्फ कंगारू है। इन लोगों ने उसको चाकू मारे थे, जिसकी उसकी शिकायत पे देहाती नालजी पे थाना बाणगंगा पे अपराध क्रमांक 973 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था, जिन्हें दोनों आरोपियों को आज दिनांक को गिरफ्तार करा है और न्यायालय पेश किया गया है। पूर्व में तीनों के तीनों ही जो है वो अपराध शुदा व्यक्ति हैं और आपसी रंजिश के कारण ये घटना हुई है। और इसके पहले पूर्व में जो इनका झगड़ा था, उस कारण से ये घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी के लंबे समय से फरार चल रहे थे? नहीं, लंबे समय से तो ना, 2-4 दिन से फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस ने बड़ी मुश्किली से पकड़ा और गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।